नमस्कार दोस्तों, ईवीड एग्जाम नोटिस में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, दैनिक जागरण के जो एक पत्रकार हैं नलिनी रंजन के द्वारा एक खबर चलाया जा रहा है कि कोरोना संक्रमण के बढ़ते कहर का शिकार अब नियुक्ति प्रक्रिया पर होने लगी है। बिहार कर्मचारी चयन आयोग BSSC कार्यालय में कोरोना का कहर दिखने लगा है। BPSSC की ओर से इस महीने टाइपिंग टेस्ट लेने की तैयारी की जा रही थी, लेकिन आयोग के एक सदस्य परीक्षा प्रशाखा के उप सचिव सहित करीब आधा दर्जन कर्मचारी अधिकारी के संक्रमित होने के बाद टाइपिंग टेस्ट अगले महीने लेने की प्रक्रिया की जा रही है। तो जिस तरह से बिहार में कोरोना का जो भी स्थिति दिख पा रहा है, इससे लगता है कि अब ये मई में भी नहीं होकर जून में भी जा सकता है। तो कुछ भी नहीं कहा जा सकता आगे क्या होगा, लेकिन नोटिस इन्हें देना बहुत ज़रूरी था, क्योंकि टाइपिंग का स्पीड क्या होगा क्या लेगा, मतलब कुछ भी मेंशन नहीं किया गया है। जो भी एक न्यूज़ के से ही पता चला है कि 40 का इंग्लिश में और हिंदी का 30 का स्पीड लिया जाएगा, लेकिन इसे पूरा क्लियर कर देना चाहिए। कम से कम नोटिस तो एक डाल ही देना चाहिए था BSSC के साइट पर। और ये अभी तक पता नहीं, क्योंकि 15 दिन क्वारंटीन रहेंगे ये लोग, कब से क्या करेंगे, अभी हो सकता है लॉकडाउन भी बिहार में लग जाए, तो इससे आने वाले समय में बहुत ही दिक्कत हो सकता है। अब लगता है यह प्रक्रिया 8 साल नहीं 10 साल भी लग सकता है पूरे BSSC में। तो धन्यवाद दोस्तों, यही एक छोटा सा न्यूज़ था। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें दोस्तों, प्लीज़ सब्सक्राइब। भला है।